दूसरे T20 से पहले भारतीय टीम को लगा तगड़ा झटका। घातक ओपनर हुआ टीम इंडिया से बाहर। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी हैं भारतीय टीम के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों दूसरे T20 मुकाबले से पहले भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया का स्टार ओपनर हुआ है पूरी की पूरी सीरीज से बाहर। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका की पूरी सीरीज से वह खिलाड़ी बाहर हो गया। तो किस खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं, कौन सा वह खिलाड़ी है, ये भी आपको समझा देते हैं। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 की सीरीज के दूसरे T20 मुकाबले से ठीक एक दिन पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है और बड़े झटके के चलते युवा ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह पर मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल किया है। दोस्तों यह जानकारी क्रिकबज ने दी है। 3 T20 की सीरीज का पहला मैच भारतीय टीम ने 62 रनों से जीता था। सीरीज का दूसरा मैच 26 और तीसरा मुकाबला 27 फरवरी को होना है। दूसरे मैच से ठीक एक दिन पहले यह खबर सामने आई कि ऋतुराज गायकवाड़ अब पूरी सीरीज से बाहर हो गए। दरअसल पहले मुकाबले से पहले उनको एक मेजर इंजरी हुई थी, जिस वजह से उन्होंने अपने आप को सिलेक्शन से बाहर रखा था प्लेइंग 11 में। इस वजह से लग रहा था कि वो दूसरे मुकाबले में वापस आ जाएंगे क्योंकि एक छोटी सी इंजरी थी, तो भारतीय टीम उनको जल्द से जल्द फिट करके वापस लाना चाह रही थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो चोट ज्यादा गंभीर साबित हो गई और उनको टीम इंडिया की पूरी सीरीज से बाहर कर दिया गया है T20 सीरीज से। दोस्तों यह उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्लो है क्योंकि भारतीय टीम में जब भी उनका सिलेक्शन होता है तब भी किन्हीं कारणों से वह बाहर हो जाते हैं। पहले उनको कोरोना हुआ, फिर वो चोटिल हुए और फिर अब फिर से जब यहां पर लग रहा था कि इनको प्लेइंग 11 में जल्द से जल्द टीम इंडिया में एंट्री मिलेगी, तब भी वो चोटिल होकर बाहर हो गए। उनके लिए काफी अच्छे बुरे दिन चल रहे हैं इस समय, क्योंकि वो सीरीजेज में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं पर डोमेस्टिक और आईपीएल में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। उसी भी पर उनका सिलेक्शन होता है लेकिन फिर वो अचानक बाहर हो जाते हैं, जो कि बहुत ही बुरी खबर है। आपके हिसाब से क्या गायकवाड़ की जगह पर मयंक अग्रवाल का लाना सही है या फिर किसी और ओपनर का ला सकते थे, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें क्रिकेट की इसी तरह की खबरों के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।